रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 9 ऑफ मैथ्स फॉर क्लास प्री 9th। यूनिट 4 है अलजब्राइक एक्सप्रेशन एंड अलजब्राइक फार्मूला। तो हम अलजब्रा पढ़ते हैं। इसमें अलजब्राइक एक्सप्रेशंस क्या हैं, सबसे पहले पेज ओपन करें अपनी बुक का 76। अलजब्रा इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अरेथमेटिक। अरेथमेटिक्स का जो जनरलाइजेशन उसको अलजब्रा कहेंगे। रिकॉल दैट When operation of addition or subtraction are applied to algebraic term, कि जब हम algebra पर addition, subtraction, multiplication वगैरह जब apply करते हैं, we obtain the expression, तो हमें इस तरह की expression मिलती है 5x² - 3x + 2/x root and maybe इस type की भी हो सकती है 3xy, इसमें 1 variable और इसमें 2 variable हो गया x और y, 3xy + 3/x, इनको algebraic expression कहेंगे। अब polynomial क्या है? Polynomial is the variable x in the variable x is an algebraic expression of the form polynomial with respect to x is equal to a n x raised to power n plus a n minus 1 x n minus 1 plus a n minus 2 x raised to power n minus 2 plus up to a 1 x or plus a naught when a n naught equal to 0, इसको हम पॉलीनोमियल कहेंगे। अब नेक्स्ट पेज आ जाए बेटा 77, वेयर एन जो है द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, इज अ नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। इसको हम डिग्री ऑफ, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको डिग्री कहेंगे पॉलीनोमियल की। एंड ईच कोफिशिएंट ए एन इज अ रियल नंबर, और जो कोफिशियंट्स हैं वो सब रियल नंबर, एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे a n - 1, तो ये जो हैं वो कोफिशियंट्स हैं। द कोफिशियंट ए एन ऑफ द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशियंट है उसको हम लीडिंग कोफिशियंट कहेंगे ऑफ द पॉलीनोमियल। अभी एक्सप्रेशन ले लें, देखें जैसे एग्जाम्पल है 2x^4y³ + x²y² + 8x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या, देखें 2 वेरिएबल है, जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रही है उनकी पावर्स को ऐड करके डिग्री हम लेते हैं, तो हाईएस्ट 7 बन रही है, 7 इसकी डिग्री है और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है 2 इज द लीडिंग कोफिशिएंट। अच्छा, फ्रॉम द स्टडी ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर एंड पॉलीनोमियल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन वी मे से द पॉलीनोमियल बिहेव लाइक इंटीजर्स की तरह पॉलीनोमियल बिहेव करते हैं। सेल्फ टेस्टिंग देखते हैं कि जस्टिफाई द फॉलोइंग आर पॉलीनोमियल और नॉट। ये फर्स्ट क्या है, एक्स की पावर इंटीजर में आ रही है, सो इट्स पॉजिटिव भी और इंटीजर में, ये पॉलीनोमियल है। इसमें भी एक्स की पावर जो पॉजिटिव और इंटीजर है ये भी पॉलीनोमियल है, इसमें एक्स जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, रूट है ना, रूट कितना होता है 1/2, एक्स की पावर 1/2, सो इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल, ये डिनोमिनेटर में आ गया एक्स, तो ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव बनेगी, तो ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड पॉलीनोमियल, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट पॉलीनोमियल। अब रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स तो आपने पढ़ा है जिसको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो। लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स हैं, देन ए ओवर बी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, तो ए ओवर बी जो है वो जरूरी नहीं कि वो इंटीजर होगा। देयरफॉर नंबर सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एंड ए ओवर बी इज डिफाइंड एज रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन रिकॉल कर रहे हैं, वेयर ए और बी इंटीजर होने चाहिए, जेड को बिलोंग करे, जेड इंटीजर है और बी नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर टू पॉलीनोमियल हैं, देन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट नेसेसरली अ पॉलीनोमियल, यानी कि इनका जो डिविजन है वो पॉलीनोमियल नहीं हो सकता, लेकिन पी और क्यू जो है वो लाजमी पॉलीनोमियल होना चाहिए। And q of x not equal to 0. Therefore, similar to the idea of rational number, concept of rational number. अब rational expression देखें. The quotient p of x over q of x of two polynomial, p of x and q of x, ये दोनों polynomial होना चाहिए. Where q of x is a non-zero होना चाहिए. Polynomial is called, इसको rational number कहेंगे. Example देख लें. 2x + 1 ये polynomial है. और 3x + 8 ये भी पॉलीनोमियल है, दोनों अलहदा अलहदा पॉलीनोमियल हैं, और 3x + 8 ये भी पॉलीनोमियल है, सॉरी इसमें 3x + 8 जो डिनोमिनेटर है वो नॉन इक्वल टू जीरो, तो इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे।
कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए। इन द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड क्यू ऑफ एक्स इज नोन एज द डिनोमिनेटर, जैसे हम फ्रैक्शन में कहते हैं ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स क्यू ओवर एक्स नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल, यानी कि इनका जो डिवीजन है वो जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो। नोट देखें, every polynomial p of x can be regarded as the rational expression, usko kahenge, since we can write p of x as p of x over 1 likh sakte hain, thus every polynomial is a rational polynomial hoga, but every jo rational expression hai wo polynomial hona zaruri nahi hai। next aa jaye beta page number 78, page 78 example dekhen, x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों जो है ऊपर वाला भी अलहदा से पॉलिनोमियल और नीचे वाला भी अलहदा पॉलिनोमियल, तो हम इसको रैशनल कह सकते हैं। एक्सप्रेशन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म, एचसीएफ ऑफ x माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, वन होगा, दोनों का एचसीएफ क्या है, वन, सॉरी ये पेज हमारा रह गया, सॉरी पेज नंबर है 78, ये है। टेस्ट देखते हैं, सेल्फ टेस्ट में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। फर्स्ट देखें 2x प्लस 6 ओवर 3x माइनस 1, यस ये रैशनल है। 3x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ऑल्सो रैशनल। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन नीचे वाला पॉलिनोमियल ही नहीं बनता, सो नॉट रैशनल। ये जो ये पॉलिनोमियल नहीं बनता, ये भी नॉट रैशनल, पहले दो है वो रैशनल है। प्रॉपर्टीज आप देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, द मेथड फॉर बेटा बुक ओपन करें, ऑपरेशन विद रैशनल एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू द ऑपरेशन विद रैशनल नंबर, जैसे रैशनल नंबर के साथ ऑपरेशन करते हैं उसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन के साथ करेंगे। लेट पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स, ये फोर जो है वो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, सच दैट ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक अ रैशनल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड कर दिए इसमें से फ्रॉम द डोमेन, देन फ्रॉम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन होल्ड अंडर द सपोजिशन दैट दे विल बी डिफाइंड, तो हम इसको ले लेंगे कि ये डिफाइन हो सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, जब डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन देखें इसकी प्रॉपर्टी में, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स इफ एंड ओनली एफ, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसमें पी ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू ऑफ एक्स आर एफ एक्स से, तो इसको इक्वेलिटी में ऐसा कर सकते हैं। देखिए पी ऑफ एक्स इंटू के, के से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू ऑफ एक्स इंटू के इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इसमें के जो है वो कैंसिल हो गया, तो कैंसिलेशन हम इसको कहेंगे। नंबर थ्री देखें, क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एफ एस आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स, इसमें देखें फ्रैक्शन है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्यू ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स एलसीएम है, तो आपको पता है जब एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो क्यों कैंसिल हो जाएगा, एस जो है वो पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे एस ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स जो है वो आर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई, इसको एडिशन कहेंगे। सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही प्रोसेस होता है, सिर्फ साइन नेगेटिव होगा बाकी सेम। अच्छा फाइव देखें, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इंटू आर एफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। सिक्स देखें, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स डिवाइडिंग आ जाएगा, आर एफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, आपको पता है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डॉट मल्टीप्लाई है तो रेसिप्रोकल लेते हैं, एस ऑफ एक्स ऊपर आ जाएगा और आर एफ एक्स नीचे, तो क्या आ जाएगा, डिविजन है, पी ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स। अब है नंबर सेवन, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स का एडिटिव इनवर्स है माइनस पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्यू ऑफ एक्स ऊपर चला जाएगा और पी ऑफ एक्स नीचे चला जाएगा, तो पी ऑफ एक्स नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्यू ऑफ एक्स नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो।
रैशनल एक्सप्रेशन इन लोस टर्म में फॉर्मिक एसिड, द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन इट्स लोस टर्म में होगा, इफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, अगर उनमें कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लोस्ट, अगर लोस्ट में नहीं होगा तो फिर हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। टू एग्जामिन वेदर अ रैशनल नंबर इन इज लोस्ट फॉर्म में है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे? टू एग्जामिन द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, फाइंड एच सी एफ, फाइंड आउट करेंगे ऑफ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का, इफ एच सी एफ वन होता है तो फिर वो इसमें लोअर फॉर्म में होगी, अगर एक्सप्रेशन ये वन नहीं होता तो फिर वो हम जो फैक्टर कॉमन आएगा उससे कैंसिलेशन कर देंगे। अब वर्किंग रूल टू रिड्यूस रैशनल एक्सप्रेशन इन लोअर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स गिवन है, पहले फैक्टराइज फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, फिर नंबर स्टेप टू में क्या करेंगे, फाइंड एच सी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, फिर डिवाइड करेंगे द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर पी ऑफ एक्स इंटू और क्यू ऑफ एक्स को बाय एच सी एफ के साथ, यानी एच सी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, द रैशनल एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाएगी इन इट लोस्ट फॉर्म। तो बेटा ये अब आपने इसको थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करोगे तो इंशाल्लाह आगे आपके इजी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, अल्लाह।